हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने बूटस्ट्रैप 4 के ट्यूटोरियल सेकंड में कंटेनर्स और कंटेनर क्लासेस का और ग्रिड्स का देखेंगे, इनको अच्छी तरह से करना सीखेंगे ताकि हम अपने जो वेबसाइट है उसको अच्छा दिखा सकें। तो आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर आदित्य पर बूटस्ट्रैप 4 के ट्यूटोरियल में। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा कंटेनर्स। तो कंटेनर्स है क्या? कंटेनर्स आर यूज्ड टू पैड द कंटेंट इनसाइड ऑफ देम एंड देयर आर टू कंटेनर क्लासेस अवेलेबल। मींस कंटेनर इज अ पर्टिकुलर एरिया एंड देयर आर टू कंटेनर क्लासेस। द फर्स्ट इज डॉट कंटेनर क्लास प्रोवाइड्स अ रिस्पॉन्सिव फिक्स्ड विड्थ कंटेनर विद सेम बोथ साइड मार्जिन। Means you, if you use to dot container class, then you have a both left and right same margins, but there is no top and bottom margins. So in dot container fluid class, there is a full width container spanning the entire width of the viewport. Means if you use dot container fluid, there is a full width container. Means you, if you use it on the desktop or in mobile phone Android, it occupies all the screen entire width and there is no top bottom or left and right margins. So for giving margins we use a padding, container padding. By default container have 15 pixel left and right padding jo ki hamare paas, means जो हम कंटेनर बनाएंगे उसके दाई और बाई तरफ दोनों तरफ हमारे पास 15 पिक्सल की पैडिंग होगी विद नो टॉप एंड बॉटम पैडिंग। ऊपर और नीचे कोई भी पैडिंग नहीं होगी हमारे पास और पैडिंग देने के लिए हम PT-3 क्लास का इस्तेमाल करेंगे। रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स क्या है? जैसे कि हम अपने कंटेनर को बना देंगे, जैसे हम उसको डेस्कटॉप में बना लेंगे, अगर कोई उसको मोबाइल फोन में एक्सेस करेगा तो उसी हिसाब से वो मैनेज हो जाएंगे। जैसे अगर हम कंटेनर SM करते हैं स्मॉल के लिए, MD मीडियम के लिए, LG लार्ज, XL हो गया, सॉरी। क्लासेस टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव कंटेनर द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कंटेनर विल चेंज ऑन डिफरेंट साइजेस एंड व्यूपोर्ट। मीन्स जैसा कि आप अपना मोबाइल फोन डेस्कटॉप इस्तेमाल करेंगे वैसे ही वो चेंज हो जाएगा डिफरेंट स्क्रीन। और ग्रिड्स क्या हमारे पास? बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इज अ बिल्ट विद फ्लेक्स बॉक्स एंड अलाउज अप टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज। इफ यू डोंट वांट टू यूज ऑल 12 कॉलम्स, यू कैन ग्रुप द कॉलम्स टुगेदर टू क्रिएट वाइडर कॉलम्स। मतलब कि हमारे पास जो कॉलम्स ग्रिड सिस्टम है इसमें आप एक रो बनाएंगे उसमें हम कॉलम्स अटैच कर देंगे ताकि हमारी साइट बहुत ही गुड लुकिंग लगे, ताकि हमें कोई भी तो हम इसको कोड लिखेंगे हम इसका। हर एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरह काम करिए। तो हम एक न्यू फाइल बना लेंगे 2.html। सो पहले मैं कुछ छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है? इसको यहां से बंद कर दूंगा। पहले हमें करना है अपना HTML डॉक टाइप को इम्पोर्ट, फिर हमें जाना है getbootstrap.com पे। तो क्रोम को ओपन कर लेंगे, getbootstrap। आप कोई सा भी वर्जन यूज कर सकते हैं, सारे वर्जन सेम है, वर्किंग सेम है। तो हम पहले, मैं 4.6 इस्तेमाल कर रहा हूं। CSS को कॉपी कर लेंगे यहां से, इसको हेड सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। फिर हम अपना जावास्क्रिप्ट बंडल कॉपी कर लेंगे, सेपरेट वाला। आई रिकमेंड दिस, मैं इसको आपको प्रेफर करूंगा। इसको आप बॉडी के अंदर पेस्ट कीजिएगा। अब की जो कि हमारा ये CSS और बूटस्ट्रैप हमारी कॉपी हो गई है, तो अब हम इसमें अपने कंटेनर्स ऐड करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कंटेनर।
तो एक शॉर्ट ट्रिक है, डॉट कंटेनर लिखिएगा, कंटेनर और एंटर, तो ये आपके पास सारा डिव बना जाएगा। तो हम पहले लिखते हैं हेलो, कंट्रोल एस एंड ओपन विद लाइव सर्वर। सो हेयर यू कैन सी दैट हेलो लिखा हुआ रहा है हमारे पास, और लेफ्ट एंड राइट मार्जिन बस, पर आपको लेफ्ट और राइट मार्जिन दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे अभी, क्योंकि हम अब इसको देंगे बैकग्राउंड कलर, जो कि हमारे पास होगा डार्क, बैकग्राउंड डार्क डार्क, ठीक है। और टेक्स्ट दे देंगे हम इसको व्हाइट व्हाइट, सेव करेंगे इसको। तो अब देखिएगा आप, ये देखिए मतलब जो कि ये कंटेनर है हमारा, ये इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है स्क्रीन पे, और 15 पिक्सल की इधर मार्जिन छोड़ रखा है और 15 पिक्सल का इधर। तो अब ना इसमें टॉप पैडिंग है ना बॉटम पैडिंग, तो हम एक नेक्स्ट कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर फ्लूड, डॉट कंटेनर हाइफन फ्लूड। तो हमने कंटेनर हाइफन फ्लूड बना दिया, और मैं अपने दोस्त का नाम अजय का लिखना चाहूंगा। तो ये भी हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम इसको मतलब एक बार हम इसको कलर दे देंगे, बीच डार्क दे देंगे, टेक्स्ट व्हाइट दे देंगे, और फिर इसको सेव करके, सेव हमेशा आपको याद रखना, नहीं तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। आप देखिएगा जो अजय है वो पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई इसने कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ा, ना राइट लेफ्ट में और ना ही टॉप बॉटम, दाएं बाएं ना ऊपर नीचे, कोई वो नहीं रखा है। तो ये हो गया हमारे दो कंटेनर्स। जो यहाँ पे कलर है ये आप कुछ भी ले सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी इन्फो, और भी काफी सारे कलर्स हैं हमारे पास जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा कंटेनर्स, अब रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स जो होते हैं हमारे, अगर आप डॉट कंटेनर हाइफन स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल करेंगे, तो आपको इस समय तो कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसको फोन में एक्सेस करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी साइट है, जो वेबसाइट है वो मैनिपुलेट होगी, उसी की तरह चेंज हो जाएगी डिफरेंट साइजेस और स्क्रीन पोर्ट्स। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो हम लगा देंगे कंटेनर हाइफन स्मॉल, तो देखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आप इसको फोन में इस्तेमाल करेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे इसलिए नहीं फर्क पड़ता क्योंकि इसको हम कमेंट कर देंगे, क्योंकि अभी हमें ग्रिड्स करना है। कमेंट करने के लिए जानते हैं आपको करना है कंट्रोल के सी, तो ये कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल बैक स्लैश भी कर सकते हैं आप। अब हम बनाएंगे एक टिप डॉट रो के नाम से, रो ये हमारे प्री डिफाइंड क्लास है, इसके अंदर बनाएंगे हम डॉट कॉल, कॉलम नाम से क्लास बनाएंगे, हाइफन स्मॉल हाइफन थ्री, यहां पे हम कुछ नाम डाल देते हैं हेलो। अब जैसे ही हम इसको कंट्रोल एस करेंगे तो आप देख सकते हैं हेलो आ गया हमारे पास, लेकिन ये अभी इसका ये नहीं पता ये कहां तक है, मतलब ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम इसको कलर कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर बीजी डार्क, और अब हम इसको करते हैं, ये देखिए ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे पास, इतना पूरी स्क्रीन कर रहा है, और लेफ्ट में कोई मार्जिन नहीं ले रहा है, और राइट में ये जितना भी बच गया उसको छोड़ दिया और बॉटम में। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं तीन चार बार, कंट्रोल वी कंट्रोल वी। हमारे पास जो होते हैं ये रो होती है, इसमें हमारे पास 12 कॉलम्स होती है,
आप 12 कॉलम्स के 12 टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, या फिर 6-6 के 2 कर सकते हैं, 4-4 के 3 कर सकते हैं, 3-3 के 4 कर सकते हैं, 2-2 के 6 कर सकते हैं, 1-1 के 12 कर सकते हैं। तो हम इस टाइम स्मॉल कर रहे हैं 3-3 के यूज, तो हमारे पास हम लेंगे यहाँ पे 3। एक बार और कॉपी कर लेते हैं और यहां पर इनके नाम चेंज कर देते हैं, हेलो बूटस्ट्रैप, फिर हेलो, फिर बूटस्ट्रैप।